में खुश आमदीद, मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बन्नी उछावनी पर हमला, अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। जबकि बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज सामने आ गया है। एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को थमा दिया गया। जबकि तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बन्नू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। जबकि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। अबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकत करवाए। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर तश्वीश का इजहार सामने आ गया है। तर्जुमान ने कहा कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी तौर पर फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करता है। बिल्कुल, बनू छावनी पर हमला, अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। बनू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बनू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में ही मौजूद है। उबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करवाए। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर तश्वीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करता है। और अब आपको बताएं कि जियारत में दोजख तंगी के मुकाम पर